गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रो नॉलेज में। पहले मुर्गी आई या अंडा, कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा होगा। आपने इस प्रश्न के बारे में सोचा जरूर होगा कि ना तो मुर्गी के बिना अंडा संभव है और ना ही अंडे के बिना मुर्गी, तो पहले क्या आया। इस प्रश्न पर बहुत मंथन भी किया गया और कई बुद्धिजीवियों ने इसमें अपने तर्क भी दिए हैं। जैसे कुछ ने तो ये कह दिया कि मुर्गी और अंडा ईश्वर की देन है और साथ में आए हैं। वही सुप्रसिद्ध शास्त्री स्टेफन हॉकिंग ने यह तर्क दिया कि अंडा पहले आया है, परंतु 21वीं सदी में अब ये प्रश्न इतना मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अंडे को बनने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह सिर्फ मुर्गी में पाई जाती है, जिसे OC17 या OV17 प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। परंतु ये प्रश्न अब भी अधूरा है कि फिर मुर्गी कहाँ से आई। इस उत्तर को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी जीव का निर्माण प्रजनन के द्वारा होता है और किसी भी जीव में बदलाव अनुवांशिक आधार पर होता है, जैसे कि मानव में भी बदलाव धीरे धीरे हुआ। उदाहरण के लिए होमो हैबिलिस जो औजार बनाया करते थे, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस जो सीधे चलने शुरू किए, उसके बाद होमो सैपियंस जो चिंतनशील, जिसे हम आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही हजारों साल पहले कुछ ऐसे जीवों का विकास प्रारंभ हुआ जो अंडे दिया करते थे, जिनमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुए और वह मुर्गी में बदल गए। मगर क्या आपको पता है कि श्रीलंका की एक मुर्गी ने अंडे के बजाय चूजे को जन्म दिया। दरअसल श्रीलंका के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाले रंजीत को इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गए, और तभी रंजीत ने पास के सरकारी चिकित्सा अधिकारी को ये बात बताई कि जब अधिकारी द्वारा मुर्गी की जांच की गई तो उन्होंने बताया कि मुर्गी के प्रजननीय तंत्र में एक अंडा विकसित हो गया और ये अंडा मुर्गी के शरीर के बाहर आने के बजाय 21 दिनों तक उसके अंदर ही रहा और वहीं उससे बच्चा निकल गया, और जांच के दौरान मुर्गी अंदरूनी घाव के कारण मर गई। ये चर्चा मीडिया में भी काफी बनी रही, जैसे कि द श्रीलंका डेली मिरर ने इससे काफी सुर्खियां बटोरी, और ये बदलाव भी अनुवांशिक आधार पे ही आए थे। अब तो आपको पता लग गया होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।